मदन जैसे पिछोरिया पंचायत से इनको दो बार टिकट पहले भी मिला था। ऐसा मौका को हम लोगों को नहीं छूटना चाहिए, तो हमको वहां जाने का बहुत अच्छा समय है। कांके प्रखंड के साथियों के साथ बैठक हो रही है, जिसमें जेएमएम आरजेडी और कांग्रेस के तमाम साथीगण यहाँ मौजूद है, देख रहे होंगे आप पैसे बैठक चल रही है। मेरी रणनीति है कि पार्टी ने जो विश्वास मुझे जताया है तो मैं जीत के दूँ, यही मेरी सबसे बड़ी चुनौती है। और कार्यकर्ताओं ने ठान रखा है कि हर हाल में इस बार कांके विधानसभा को हम लोग जीतें, और कांग्रेस के हमारे आला कमान को ये अवगत करा दें कि हम लोग कार्य और कार्यक्रमों में हम लोग लगातार लगे हुए हैं, इसीलिए आज यहाँ बैठक रखे। सूरज जी, आपने पहले भी कहा था कांके विधानसभा सीट से सीधा मेरा प्रतिद्वंदी बीजेपी है, और अभी तक बीजेपी अपना प्रत्याशी का घोषणा नहीं कर रहा है, क्या कहें? नहीं करने के पीछे उसके पीछे मुझे बोलने कोई आवश्यकता भी नहीं है। हम मैदान में डटे हुए हैं, चाहे कोई भी आवे, कोई भी लड़े, हम उसको टक्कर देने के लिए, टक्कर दे के परास्त करने के लिए हमारे कार्यकर्ता पूरा मजबूती के साथ मैदान में है। हम लोग निश्चित रूप से कोई भी उनका बीजेपी का उम्मीदवार होगा उसको हराने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। आरजेडी का भी है यहाँ पे कार्यकर्ता, कितना साथ हम लोग सुनने वाला है? गठबंधन धर्म के तहत ही आज हमारे सारे साथी लोग यहाँ आए हैं। प्रखंड अध्यक्ष ये हैं, यहाँ पर आरजेडी के भी हैं, जेएमएम के भी हैं, और कांग्रेस के तो आप देख ही रहे हैं कि शुरू से 20 साल से हमारे साथ लगे हुए हैं। इसलिए एक समन्वय स्थापित करके हम लोग कार्यक्रम जाएंगे, और तैयारी है 22 तारीख को हम नामांकन करने जा रहे हैं। इसके लिए भी हमने आमंत्रित किया है लोगों को, ये जानकारी दे रहे हैं, चूँकि नॉमिनेशन करने से पहले सारे लोगों से, गठबंधन के साथियों से और कांग्रेस के साथियों से मिलना चाह रहे थे, इसलिए आनंद फानंद में तुरंत दो ब्लॉक में आज बैठक कर रहे हैं। हम लोगों की अभी नहीं बल्कि पिछले 5 सालों से रणनीति हम लोगों की ऑन मूड में रहती है, और कांके विधानसभा के मैक्सलीगंज से लालगंज तक और कांके प्रखंड के 3200 पंचायत में हम लोगों का बूथ कमेटी अपडेट है, पंचायत कमेटी अपडेट है, और सभी कमेटियों के साथ हम लोग आज बैठ रहे हैं, और हमारे जो उम्मीदवार हैं 22 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे उसकी तैयारी की भी बातें हो रही हैं, और हम लोग जो बीजेपी की नीतियाँ हैं उन नीति के को हथियार बनाकर हम लोग किस तरह से चुनाव लड़े, उन तमाम विषयों पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं, उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं कि बीजेपी की नाकामी को लेकर हर एक पंचायत में, हर एक बूथ तक आप पहुंचिए और एक सकारात्मक पॉलिटिक्स, सकारात्मक सोच के साथ जनता के विश्वास को एकत्रित करने का हम लोगों ने आज एक संकल्प लेने के लिए बैठे हुए हैं। आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ कि जो हालत इस क्षेत्र का और कांके विधानसभा का 30-35 साल से यहाँ के विधायक लोग बनाया है, आज मैं इस मंच से चैलेंज करता हूँ आदरणीय अमित शाह जी को, और रघुवर दास जी को मैं चैलेंज करता हूँ कि अगरचे उनसे एबिलिटी और क्वालिटी है तो एक बार फिर जीतू चरण राम को इस मैदान में उतार के देख ले। निश्चित रूप से हम लोग उनको क्लीन बोल्ड करने का काम करेंगे। पूरे जनता रोष है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 5 साल अगरचे कोई बीजेपी का विधायक रहा, चूँकि नाकामयाब विधायक रहता है, निकम्मा विधायक रहता है, वो 5 साल रहा और उसके बाद में उसको हटा कर दूसरे लोगों को टिकट दिया जाता है, और वो चेहरा देख के पब्लिक को गुमराह करके ये लोग वोट लेने का आज तक काम किया।